दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन पाउडर क्यों लेना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन पाउडर कब से लेना चाहिए और किन किन गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता होती है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि रावत और आप सबका मेरे चैनल हेल्थ वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं का वजन कम है या फिर जिन गर्भवती महिलाओं का शिशु का वजन कम है, उन गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर जो है प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में प्रोटीन की आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है। यदि आप गर्भवती हैं तो आप विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप शाकाहारी हैं और मीट का सेवन नहीं करती तो आपको अपने आहार में प्रोटीन पाउडर शामिल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर आप अंडरवेट हैं या फिर आपके शिशु का वजन कम है तो डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, बिना डॉक्टर की सलाह के भूल कर भी प्रोटीन पाउडर का सेवन खुद से गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे ब्रांडेड प्रोटीन पाउडर का ही सेवन करना चाहिए। कुछ प्रोटीन पाउडर में आर्टिफिशियल और स्वीटनर्स का प्रयोग किया जाता है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से पूछकर ही प्रोटीन पाउडर का सेवन करें। गर्भावस्था में प्रोटीन की कमी से समय से पहले शिशु का जन्म हो सकता है, शिशु का वजन कम हो सकता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अगर आप भी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। गर्भावस्था में कब शुरू करें प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल? प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर शुरू करने को लेकर कोई निश्चित समय नहीं है। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको गर्भाधारण करने से पहले ही प्रोटीन युक्त आहार या प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन शुरू कर देने की जरूरत होती है। या फिर प्रेगनेंसी के बाद अगर आपका वजन कम है या फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में देखेंगे आपके शिशु का वजन कम है तो डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर का सेवन करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन आम तौर पर प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद प्रोटीन पाउडर का सेवन करने के लिए कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन वाली महिलाओं की तुलना में अंडरवेट महिलाओं को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर आप शाकाहारी हैं तो आपकी प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी हो जाता है। प्रोटीन पाउडर लेने से आपका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ अगर डॉक्टर को लगेगा कि आपके शिशु का वजन कम है तो प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से शिशु का वजन निश्चित रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ शिशु का विकास भी काफी तेजी से होता है। आपको गायनेकोलॉजिस्ट दिन में 1 या 2 बार दूध के साथ प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह दे सकते हैं। और अगर आपको प्रोटीन पाउडर का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे जूस में डालकर, दूध में डालकर या शेक बनाकर पी सकते हैं। और अगर आप पहली बार मां बन रही है तो प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन पाउडर सुरक्षित है? जी हां दोस्तों, डॉक्टर की सलाह पर गर्भावस्था में प्रोटीन पाउडर का सेवन करना पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन याद रखें, आपने बिना डॉक्टर की सलाह के प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन पाउडर का सेवन करना क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या क्या फायदा